हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास का चैप्टर पावर और एक्सपोनेंट कराऊंगी। इस वीडियो में मेनली मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन और यूजुअल फॉर्म के बारे में बताऊंगी। ये मैंने स्टार्टअप मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज ली है 2.3। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इन नंबरों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कई बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है, कई बार इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोला जाता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते समय या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते समय आप ये ध्यान रखोगे कि आप नंबर वाली टर्म को कहीं नहीं छोड़ोगे। इसमें फैक्टर में लिखा जाता है। एक फैक्टर तो क्या होता है, जो नंबर दिया हुआ होता है। यहाँ हमें दिया हुआ है 375 और पहला फैक्टर हमेशा 1 से 10 के बीच में होता है, 10 भी नहीं होता। दैट्स व्हाई हम 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे। ओके, पहला फैक्टर ये होता है और दूसरा फैक्टर हमेशा 10 होता है। 10 की पावर मतलब या तो नेगेटिव पावर होगी या पॉजिटिव पावर होगी। देखो, हम डेसिमल को इधर लेके गए हैं तो नेगेटिव पावर होगी। जब हम डेसिमल को लाइक यहाँ से इधर लेके आते हैं तो पॉजिटिव पावर होती है, और आगे से पीछे लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। अब हम काउंट करेंगे कि कितने प्लेस हमने डेसिमल को सरकाया है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 प्लेस तक गया है डेसिमल। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी, -7 होगी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो नंबर हमें छोड़ना नहीं है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, 9, 2, 8। डेसिमल कहाँ लगाएंगे, 9 के बाद। आपको पता है ना, पहला फैक्टर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने 9 के बाद डेसिमल लगाया। देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। दूसरा फैक्टर हमेशा 10 हो, उसकी पावर होती है। देखो, हम डेसिमल को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं। डेसिमल का प्लेस जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड सरकाया है ना, तो इस बार पावर हमारी पॉजिटिव होगी। यहाँ डेसिमल था नहीं, बट जब नहीं होता तो लास्ट में ही माना जाता है। ओके, तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 10 to the power कितना आएगा, 12। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12। चलो अभी बी वाला क्वेश्चन करते हैं। हम नंबर को एज इट इज लिखेंगे। ये देखो, सारे ही नंबर हैं, है ना, तो हम सारे नंबरों को लिख देते हैं। 5, 0, 6, 2, 8, 9। डेसिमल आपको पता है एक नंबर के बाद लगेगा, मतलब 5 के बाद लगेंगे, ठीक है। डेसिमल देखो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया है, इट मीन्स 10 की पावर जो है पॉजिटिव होगी। यहाँ लिखेंगे दूसरा फैक्टर 10 है। 10 की पावर कितनी हुई, कितने प्लेस आया, 1, 2, तो वहाँ पे 10 की पावर है 2। ओके, अभी हम डी वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, हम 3 को आगे लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन भी हम इसको लिख सकते हैं। 1 के बाद कितने जीरो है, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 3 into, अब इसको हम 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। 10 की पावर नेगेटिव होगी ना, ये लिख दिया हमने नेगेटिव पावर। कितनी जीरो थी, 8 जीरो थी, इसलिए 10 to the power -8। क्वेश्चन ई करते हैं। ये देखो, पहला फैक्टर जो है नंबर्स में ही है, 4, 6, 0, 3, बट हम क्या लेते हैं, 4 के बाद डेसिमल लगाते हैं ना, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। अब डेसिमल जो कि है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर के रूप में क्या लिखेंगे, 10 to the power +3। यहाँ से यहाँ है ना, 1, 2, 3, ठीक है। देन पीछे ऑलरेडी पावर दे रखी है, 10 to the power -5, ठीक है जी। आगे सोल्व करते हैं इसको। देखो, जब भी बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्या होता है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, 10 to the power +3 -5। इस तरह से हमारे पास लास्ट में क्या आ जाता है, 4.603 × 10⁻²।
एफ वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें नंबर के रूप में जो लिखा हुआ है ना वो लेंगे पहले हम। 4, 7, 8, आपको पता ही है 4 के बाद डेसिमल लगाना है, मल्टीप्लाई बाई 10 to the power, ये वाली पावर काउंट कर रहे हैं पहले अभी हम। देखो डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जा रहा है तो पावर नेगेटिव आएगी। कितनी है ये काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ नेगेटिव पावर 5 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लिखेंगे 10 to the power 4, 4.78 × 10⁻¹⁵. देखो आगे देखो 20 10 है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, इसलिए हम लिखेंगे +4। ओके 4.78 × 10⁻¹⁵. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट इन यूजुअल फॉर्म। हमें इन क्वेश्चनों को यूजुअल फॉर्म में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म से हटा के, ठीक है। आप लोग ध्यान रखोगे जब भी पावर नेगेटिव है तो हमारा डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और जब भी पावर पॉजिटिव होती है तब राइट हैंड से। और मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पहले तो हम इसका डेसिमल हटा लेते हैं, ये है 325/100, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय, देखो इसकी पावर नेगेटिव है तो ये 1/1 के बाद 80 है, क्योंकि पावर 8 है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हम क्या करेंगे, 325 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 325, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आएगा हमारे पास 1 के बाद 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है जी। अब आपको पता है कि नंबर एज इट इज लिखा जाता है, आपको 10 से 100 से नंबरों से तो डिवाइड करना आता ही है, जो ऊपर वाला नंबर है वो ऐसे ही आता है 325। अभी जो डेसिमल है वो लास्ट में है, लास्ट से 10 प्लेस हमें आगे तक लेके आना है। 3 नंबर तो ये हो गए, आगे कितनी जीरो आएंगी, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी यहाँ डेसिमल लगाया जाता है और डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसलिए एक और जीरो लगा दी जाती है। बी वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका भी हम डेसिमल लगाते हैं, इसको बना देते हैं 4083/, नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा ना, ये आपको पता ही होगा हम डेसिमल को कैसे हटाते हैं। लाइक डेसिमल के लिए 1 लिखा जाता है और जितने पीछे नंबर होते हैं उतनी जीरो लगाई जाती है। ओके देन हमारे पास दिया है 10 to the power +4, इट मीन्स 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 4 टाइम, तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि 1 के बाद 4 जीरो आएंगी। ओके अभी देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाती हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास 408310 आएगी, ठीक है जी। अच्छा सी वाला क्वेश्चन करते हैं, दिया हुआ है 9.17 × 10⁻¹⁵, इसका डेसिमल हटाते हैं ये बन जाता है 917, तो नीचे क्या होता है अपॉन 100, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसकी पावर नेगेटिव है इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल होगा, 10 की पावर 5 है तो नीचे कितनी जीरो आएगी 1 के बाद 5, 2, 3, 4, 5। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 917 ही आएगा और नीचे क्या आएगा 1 के बाद देखो 50 ये 20 ये 70 आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आपको डिवाइड करना आता ही है, नंबर जो है एज इट इज रखा जाएगा 917, डेसिमल इधर से जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, कितने प्लेस 7 प्लेस, 3 प्लेस तो यही हो गया, देन 4 प्लेस पे एक जीरो लगा देंगे 5, 6, 7, यहाँ पे डेसिमल लगाया जाता है और इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा देते हैं, इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। डी वाला क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम डेसिमल हटाते हैं, देखो
डेसिमल के लिए तो नीचे वन लगाया जाता है और पीछे है फोर नंबर, तो फोर जीरो आएगी, वन और फोर जीरो आएगी, ठीक है। इनटू टेन टू द पावर नाइन है, इट मीन्स वन के बाद नाइन जीरो आने वाली है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अभी फोर जीरो से फोर जीरो जाएंगी कट, तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाता है टू जीरो 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 वन, उसके बाद फाइव जीरो, ये फाइव जीरो है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे फाइव जीरो आएगी, वन टू थ्री फोर फाइव। ई वाला क्वेश्चन करते हैं, एट इंटू टेन टू द पावर नेगेटिव नाइन दिया हुआ है, इट मीन्स एट को मल्टीप्लाई करना है वन अपॉन क्या आएगा, वन के बाद नाइन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके जी। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो एट आता है और नीचे वन के बाद नाइन जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो डिवाइड करेंगे, एट तो हमारा आएगा ही, यहाँ से हम डेसिमल को सरका रहे हैं नाइन प्लेस, इसलिए एट जीरो आएंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे डेसिमल आ गया। अब आगे कुछ नंबर नहीं है तो जीरो लगा देते हैं। क्वेश्चन एफ करते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 79 अपॉन 10, देन इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्योंकि 10 की पावर 3 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 79 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 7900 हमारा आंसर आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंपेयर डायमीटर ऑफ द सन टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ, हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करने में हम मोस्ट ऑफ द केस रेशियो निकालते हैं, ठीक है। हम क्या रखते हैं, ऊपर लिखते हैं डायमीटर ऑफ द सन, पहले सन का कंपेयर करना है ना, नीचे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ द अर्थ, देखो सन का डायमीटर दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 9, पावर पॉजिटिव है, ठीक है। और नीचे क्या है, 1.2756। अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको 2756 नहीं बोल रही, क्योंकि डेसिमल के बाद ऐसे ही पढ़ा जाता है 1.2756, ओके, ध्यान रखना इस बात को, मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 7, ठीक है जी। जब डिवाइड हो रहा होता है और बेस सेम हो रहा होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये काम करेंगे हम, 1.4 इंटू 10 टू द पावर 9 में से माइनस करें पावर 7 को, नीचे क्या आएगा, 1.2756, ओके, ये पावर हमने माइनस कर दी तो इसको हटा देते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या आता है, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 2 अपॉन 1.2756, ठीक है जी। और 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से तो हमारे पास क्या आएगा, 140 और नीचे 1.2756, और जब हम 140 को डिवाइड करते हैं 1.2756 से तो हमारे पास आता है 109.75। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो देखो इस 7 के कारण ये 9 की जगह 10 हो जाता है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 110 अप्रोक्सीमेटली। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड, आई विल अपलोड यू नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।